इस बार भी हम देखते रहते हैं कि पानी बढ़ रहा तो क्या स्थिति है, देख रहे हैं जो कि सूखापन से प्रभावित हैं, तो उनके लिए भी कुछ किया जाए तो हम लोग इसके लिए बहुत अलर्ट हैं। इनसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र को बिहार का वीआईपी क्षेत्र माना जाता है, जहां पर 15 सालों तक लालू यादव और राबड़ी देवी का राज रहा। 2010 में राबड़ी देवी जेडीयू के सतीश यादव से 13,000 वोटों से हार गई थी, लेकिन इन सबके बावजूद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इसे सुरक्षित मानते थे, यानी कि राघोपुर को हमेशा से ही सुरक्षित मानते थे, और यही वजह थी कि उन्होंने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को राजनीति में राघोपुर से ही लॉन्च किया। एक बार फिर से उसी राघोपुर की तस्वीर जो है वो अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। राघोपुर में अगर विकास की बात करें तो यादव बहुल ये इलाका आज भी विकास के सभी मानकों में काफी नीचे है। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है पुल। राघोपुर दियारा के घाट पर कई सालों से विकास की एक ही तस्वीर नजर आ रही है। जो तस्वीर पहले नजर आती थी वही तस्वीर आज 2022 में भी नजर आ रही है। इस घाट के नाव पर टेम्पो, मिनी ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कार, साइकिल सवार सब कुछ मिल जाएगी, यानी कि चाहे वो नाव की बात कर ले या फिर स्टीमर की बात कर ले, बस सारी की सारी चीजें इन्हीं पर लग करके एक पार से दूसरे पार जाती है। तो जिस नाव का इस्तेमाल लोग अपने लिए करते हैं एक पार से दूसरे पार जाने के लिए, वहां राघोपुर में इसी नाव या फिर इसी स्टीमर से लोगों को जाना आना पड़ता है अपने तमाम सामानों के साथ में, क्योंकि इस इलाके में कोई भी पुल नहीं है जिससे कि लोग अपने वाहनों से एक घाट से दूसरे घाट तक जा सके। सालों बीत गई लेकिन फिर एक तस्वीर सामने आई जिसमें बिहार की नई नवेली सरकार नाव पर सवार दिखी, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ उनकी गाड़ियों का काफिला भी स्टीमर पर ही सवार दिखा। जी हां, बिहार की नई नवेली महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इसी स्टीमर पर सवार दिखे जिसमें कई सालों पहले लोग हुआ करते थे, और तब से लेकर के आज तक यहाँ पर नाव और स्टीमर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दोनों नेता यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राजद के एक नेता रहे भोला बाबू के निधन के बाद उन्हें राघोपुर में श्रद्धांजलि देने गए थे। इनके वहां पहुंचने के बाद वहां की जनता का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां एक तरफ लोग तेजस्वी यादव को देखने और उनसे मिलने को व्याकुल दिखे, तो वहीं कई की संख्या में जो भीड़ थी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ दौड़ती दिखी। बता दें कि राघोपुर वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जीत कर विधानसभा पहुंचते हैं। सालों से यहां के लोग एक पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं होने की वजह से आज सुशासन की सरकार को भी नाव पर सवार होना पड़ा, और ना जाने और कितना वक्त आएगा, कब वो दिन आएगा जब यहाँ के लोगों को पुल नसीब होगा। वहां पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको छोड़ जाते हैं उनकी बातों के साथ। ये आप लोगों को मालूम होगा शायद या याद होगा, कहीं से जानकारी मिली होगी, जब जेपी मूवमेंट चल रहा था तो जेपी के साथ एक 1975 में यहाँ एक कार्यक्रम था और उनके साथ ही यहाँ पर हम गए थे और काफी देर वहाँ रहे थे और काफी बातचीत, उसी समय हमको बोला बस उसी समय से परिचय घरों से मुखिया हुआ करते, उसके बाद सदन लगातार अभी हाल तक जब उनकी तबीयत खराब थी एक एक चीज की जानकारी लेते रहते थे हम लोग और बात तक कभी, इसलिए उनका तो बहुत दुखद है। और उसके बाद तो मतलब जेपी मूवमेंट से भी संबंध, और उसका यहाँ पर राज्य सरकार में मंत्री भी रहे और कई बार एमएलए रहे और एमएलसी रहे, इसलिए हम लोगों ने तो कहा है उनकी यादगारी में उनकी स्मृति में वहाँ पर भी कुछ करवा दिया जाएगा ताकि सब लोगों को सदैव याद रहे कि आदमी कैसे। हम लोगों का देखिए सबसे बड़ी चीज़ है
आप समझ रहे हैं मेरा व्यक्तिगत लगाव तो जेपी मूवमेंट का ना मामला है। हम लोग उसी समय से ना आए हैं राजनीति में, तो उसी समय से हम लोगों का संपर्क था। अब जब इतना तीन बार MLA, तीन बार MLC सब कुछ रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो इसलिए उनकी स्मृति के लिए हम लोग वहाँ जरूर कुछ उनकी मूर्ति वगैरह का कुछ करवाएंगे। सर, आपके सीमर के जरिए से राघोपुर के दियारा इलाके में गए, जो बाढ़ से हर साल परेशान होते हैं। सर, कई सारे इलाके बाढ़ से प्रभावित रहते हैं हर साल। जो लास्ट ईयर जितना प्रभावित थे तो एक एक जगह देखे थे, इस बार भी हम देखते रहते हैं कि पानी बढ़ रहा तो क्या स्थिति है, देख रहे हैं। तो जितना पिछले साल था तो वैसी तो स्थिति नहीं, आप जानती है पिछले साल कैसा था, एक एक जगह जाते रहते थे। और अभी भी कुछ जगह पर सूखापन की स्थिति है, तो उन जगहों को भी देखे हैं। और जैसे ही कहीं बढ़ता है उस जगहों का भी सब जगह का खबर लेते रहते हैं हम लोग, ताकि अगर कोई बाढ़ से प्रभावित हो तो फिर रक्षा के लिए और उनके सुविधा के लिए कुछ किया जाए, और जो मान लीजिए कि सूखापन से प्रभावित हैं तो उनके लिए भी कुछ किया जाए, तो हम लोग इसके लिए बहुत अलर्ट हैं।